इस हवेली के अंदर हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट दिखाई दिया है जहां पर वो सेठ लोग अपना पूरे का पूरा खजाना छुपाया करते थे। और आ गया ये, देखना कितने सारे घड़े रखे हैं ये वाले, इसे गोल्ड प्लेटिंग बताया जाता है। हवेली के इस भाग में हमें यहाँ पर उस समय के वो तहखाने दिखाई दे रहे हैं जिन तहखानों के अंदर वो व्यापारी लोग अपना सामान रखा करते थे। जब बात खोज और घुमाई की निकलती है तो हमेशा ज्ञानविक लोग आप लोगों को एक ऐसे स्थान पर लेकर आ जाता है जिसके बारे में आपने शायद ही पहले कभी कोई बातें सुनी होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से राजस्थान के एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जिसका नाम है रामगढ़ शेखावटी। और ये पूरे का पूरा जो एरिया है बहुत सारी हवेलियों, छतरियों और ना जाने कितने सारे ऐसे प्राचीन इतिहास के साथ में जुड़ा हुआ है जिसको वीडियो में कैप्चर करने में हमें लगने वाला है बहुत सारा समय। इस वीडियो को पूरा इसीलिए देखिएगा दोस्तों क्योंकि आज की ये वाली जो वीडियो है, ये वाली जो हवेली है बहुत बेहतरीन होने वाली है क्योंकि इस हवेली के अंदर बने हैं सोने के कक्ष, यानी कि गोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। और इस हवेली का नाम है अनंतराम जी पोदार की हवेली। और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर इसके पूरे भाग को अच्छे तरीके से कैप्चर करने जा रहे हैं। किसी समय की एक शानो शौकत के साथ में बनी ये हवेलियाँ आज इस तरीके से खंडर हो चुकी हैं कि इनके बाहरी भाग को ठीक करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। जब हम इनकी इन दीवारों को देखेंगे तो इन दीवारों के अंदर हमें उस समय के वो सारे के सारे चूना पत्थर और बीच में इस्तेमाल किए गया वो लेप दिखाई देगा जिसकी वजह से ये हवेलियाँ बहुत ज़्यादा मजबूत बनी रहती थी। ये इसका किसी समय मुख्य द्वार हुआ करता था लेकिन यहाँ पर अभी जो हिस्सा है ज़्यादातर वो आज के समय में झाड़ फूस के साथ में भर चुका है, इसीलिए इसका अंदर जाने का दूसरा द्वार है। और मैं इसके बाहरी हिस्से में कुछ आपको उस समय की दुकानें दिखा देता हूँ जो नीचे के एरिया में पहले बनाई जाती थी। ये आप लोग देख सकते हैं, पहले नीचे इन कक्षों में दुकानें होती थी जहां से वो लोग अपना व्यापार करते थे। और इस तरीके से यहां पर इसकी दूसरी दुकान बनी हुई है। आज के समय लोग यहां पे कूड़ा वगैरह डाल देते हैं। इस पूरी की पूरी वॉल पर जो चित्रकारिता की गई है वो बहुत शानदार इसलिए बनती है क्योंकि ये हवेली बहुत ज़्यादा विख्यात हवेलियों में से एक मानी जाती है। उन सेठों ने इन हवेलियों को बनाने के लिए अपना ज़्यादातर पैसा इसी पे खर्च किया ताकि उनकी शान और शौकत और भी अच्छे तरीके से बरकरार रहे लोगों के बीच में। अभी मैं आपको इस हवेली के सीधा अंदर लेकर जाऊंगा जहां से हम इसका बहुत बारीकी के साथ में चित्रण पेश आज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर इस हवेली के अंदर वाले हिस्से में आ चुके हैं। किसी समय इस हवेली के इस पूरे प्रांगण के अंदर एक रौनक हुआ करती थी लेकिन आज वो रौनक पूरे के पूरे इस मिट्टी में और समय के साथ साथ में ख़त्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी इसका जो अंदर का हिस्सा है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। शुरुआत हम लोग इस कक्ष से कर लेते हैं। यहाँ पर इस कक्ष का ये वाला गेट का डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है और इसको जब हम अंदर की तरफ से देखेंगे तो छोटा कक्ष है ये, इसके अंदर काफ़ी सारे आले बने हुए हैं और पूरे का पूरा इसका नज़ारा देखिए कितना ज़्यादा शानदार है। और नीचे की तरफ भी एक छोटा सा कमरा इसमें बना हुआ है, इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। और ये पूरे का पूरा जो हिस्सा है ये बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रमुख बात आपको मैं बताता हूँ, देखिए इस पूरे के पूरे हवेली के अंदर हमें पुराने समय का ये एक हिस्सा दिखाई दिया है। शायद ये हारा वगैरह होता होगा आग वगैरह रखने के लिए जो आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। दूसरे कमरे में हम देखते हैं ये हिस्सा है जहाँ पर वो लोग अपने घड़े वगैरह रखा करते थे। सामने की तरफ वो हिस्सा बना हुआ भी है, देख सकते हैं आप। ये बाहर का डिज़ाइन इस छतरी का मेहराब यहाँ बनाया हुआ है। ये छोटे छोटे आले आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दिए वगैरह रखते होंगे वो लोग। ये इसका पूरे का पूरा वो मेन कक्ष रहा था किसी समय जहाँ से हम अंदर आया करते थे। ऊपर की लकड़ियाँ देखिए, आज भी वैसी की वैसी ही लकड़ियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। देखने पर इनमें बिल्कुल भी कोई घिसावट नहीं हुई है
और इस लकड़ी के ऊपर वाले हिस्से में देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनाया गया है। आज के समय में भी ऐसी कारीगरी शायद ही देखने को मिलती होगी। और इसी मेन कक्ष के अंदर जो बिल्कुल एक कॉर्नर वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये वॉशरूम के लिए बूढ़ी जो घर की महिलाएं होती थी उनके लिए बनाया गया था, आज ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। बाकी हिस्सों को देखते हैं हम लोग। यहाँ से हमें ऊपर जाने की सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये हमें इसके दूसरे ऊपर वाले हिस्से में लेके जाएंगी। और यहाँ पे चारों तरफ दिशाओं में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सामने की तरफ भी सीढ़ियाँ हैं। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका एक दूसरा कक्ष दिखाता हूँ दोस्तों, वो कक्ष इस सीढ़ी के बिल्कुल पास में बना हुआ है। जब आप अंदर की तरफ यहाँ आएंगे तो इस कक्ष के नीचे की हालत तो बहुत ज़्यादा बेकार है। और इसी के साथ साथ में जब हम थोड़ा और अंदर प्रवेश करते हैं तो ये मेरे ख्याल से उस समय का रसोई वगैरह दिखाई दे रही है जैसी मालूम पड़ती है। नीचे काफ़ी सारे घड़े वगैरह रखे हैं, कॉर्नर पे दीवार पे देखिए कुछ अलग सा ये बनाया गया है ऐसे रखने के लिए। यहाँ देखिए कितने सारे घड़े रखे हैं, ये दिखाइए एक बार, देखना कितने सारे घड़े रखे हैं ये वाले। तो यहाँ भी घड़े रखे हैं और ये देखना यहाँ पे क्या बना हुआ है। हर जगह घड़े घड़े हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या है ये वाला हिस्सा, लेकिन जहाँ भी आप अपनी नज़रें लेकर जाएंगे वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ घड़े ही घड़े दिखाई देने वाले हैं। और आगे आइए, एक ये कक्ष है, ये कक्ष बड़ा है थोड़ा सा और अंदर की दीवारें बिल्कुल काली हो चुकी हैं इसकी। यहाँ पर सेम वही पानी वगैरह रखने के लिए जो हिस्सा बनाया जाता था। जब हमने इन सारी चीज़ों को घूमकर देखा तो इसी के जैसा बिल्कुल ऑपोजिट हिस्सा हमें यहाँ दिखाई देगा। और यहाँ पर भी एक ये वाला जो कक्ष है ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सेम है। इसे तिबारा कहा जाता था उस समय का। और इस तिबारे के अंदर ये जो मेन कक्ष है अंदर का, आइए देखिए यहाँ पे दीवारों पर कितने सारे आले बने हैं। इस हवेली के अंदर हम लोगों को एक ऐसा पॉइंट दिखाई दिया है जहां पर वो सेठ लोग अपना पूरे का पूरा खजाना छुपाया करते थे, यानी कि उस समय के वो तहखाने जो आज भी यहां पर मौजूद हैं। मैं आपको इसके अंदर का नज़ारा दिखाता हूं। ये जो छोटा सा हिस्सा बना हुआ है इसके अंदर हम लोगों को तहखाना दिखाई दे रहा है। और दोस्तों ये वाला तहखाना थोड़ा नीचे की तरफ बना हुआ है जो आज यहाँ पर ज़्यादातर दब चुका है, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं कि उन सेठों के पास में जब धन रहता था तो उसको बचाने के लिए वो अपने पूरे के पूरे उस सामान को, उस गोल्ड को, उस समय के जेवरातों को यहाँ पर छुपा कर रखा करते थे। और इस तिबारे से हम लोग इसके दूसरे कक्ष में जा रहे हैं। नीचे का हिस्सा देखिए, यहाँ पर कुछ ऊन फैली हुई है। इन दीवारों पर उस समय की जो यादें हैं वो आज भी ताजा हो रही हैं। और ये यहाँ के वो हिस्से जहां पर वो लोग अपना दूध दही जानवरों से बचाकर रखा करते थे, ये पूरे का पूरा जो कमरा है आज पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है। कुछ पहचान यहाँ पर बनी हुई है। ये कमरे के अंदर एक छोटा कमरा और बना हुआ है। ऊपर का ये नज़ारा लकड़ी से बना हुआ, जिसको आजकल हम टांड कहते हैं, वो यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ टांड ये। और कॉर्नर पे हर जगह वो डिज़ाइन है जहाँ पे कुछ सामान रखने के लिए उनका काम आता था। इस दूसरे कक्ष के अंदर हम लोगों को यहाँ का जो नज़ारा है वो कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। नीचे की तरफ पूरी गंदगी फैली हुई है, यहाँ पर जो मटके टूटे हुए हैं दोस्तों, इस मटके का देखिए डिज़ाइन कितना अलग सा है, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है, थोड़ा यूनिक है, इसका डिफरेंट लग रहा है। ऐसा बताया जाता है कि किसी समय इस हवेली के अंदर ना जाने कितना ज़्यादा खजाना दबा हुआ था उन तहखानों के अंदर, और वो खजाना शायद इन मटकों के अंदर ही रखा गया था। इसलिए इस पूरी की पूरी हवेली में हर जगह देखने पर हमें मटके दिखाई देंगे, लेकिन वो मटके सारे खाली हैं, यानी कि यहाँ पर शायद चोरी कर ली गई होगी, जिसके बाद यहाँ का सारा खजाना कुछ लोगों ने लूट लिया है, ऐसा बताया जाता है। और इसके पूरे हिस्से में देखिए यहाँ पर आप लोग, ये उस समय के कुछ बर्तन हमें दिखाई
दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ पत्थर हैं जो प्रयोग में आते थे, यहाँ भी मटके रखे हुए हैं, हर जगह सिर्फ और सिर्फ मटके। एक बार इसका व्यू देखेंगे, पर जरा लाएंगे पास में, क्या है पूरा एरिया ये देख रहे हैं, ये पूरे का पूरा हिस्सा, यहाँ पर ये जो मटके हैं, यहाँ पर देखिए कुछ रखा हुआ है, ये न जाने क्यों इस पूरी की पूरी हवेली में इतने सारे मटके रखे हुए हैं, ये चीज हमारी समझ के बहुत ज्यादा परे है। हवेली के इस भाग में हमें यहाँ पर उस समय के वो तहखाने दिखाई दे रहे हैं जिन तहखानों के अंदर वो व्यापारी लोग अपना सामान रखा करते थे। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे अंदर से दिखते थे। पहले ये देखिए, ये पूरा तहखाने का हिस्सा, यहाँ पर वो लोग अपने को सामान रखा करते थे, और ऊपर की मंजिल से बिल्कुल ये अलग सा हिस्सा बना हुआ है आज भी। अभी ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम लोग, और इसकी जो सीढ़ियां हैं, यहाँ पर भी काफी सारी टूट फूट का जो मसाला है वो गिरा हुआ है, और ऊपर यहाँ पर एक ऐसा कक्ष बना हुआ है जिसके अंदर प्लेटिंग की गई है गोल्ड की। दोस्तों ये पूरे का पूरा हिस्सा देख सकते हैं इनका, ऊपर का जो कक्ष बना हुआ है, सामने की तरफ बड़ा ही अद्भुत नजारा हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अंदर की तरफ। वाओ, क्या जबरदस्त नजारा है इस कमरे का, बहुत ज्यादा शानदार। ये उस समय का वो शीश महल है जो स्पेशल ओकेजन पर शादी के बाद दुल्हा दुल्हन के लिए प्रयोग में लाया जाता था। चारों तरफ मिरर ही मिरर, और यहाँ पर जो ये वाला कलर किया गया है इसे गोल्ड प्लेटिंग बताया जाता है, और ऐसा कहते हैं कि ये पूरे का पूरा जो कमरा है वो सोने की परत के साथ में तैयार किया गया था। चारों तरफ देखने पर आप लोगों को एक अलग विचित्र हिस्सा दिखाई देगा जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ खिड़कियाँ दिखाता हूँ। ये खिड़कियां जो हैं ये बाहर देखने के लिए प्रयोग में आती थी, क्योंकि पहले पर्दा सिस्टम था तो सीधा महिला नहीं देखती थी, इन खिड़कियों से झरोकों से बाहर वो ताका करती थी। दोनों तरफ हैं खिड़कियां ये वाली। यहाँ पर हम लोगों को इसका और ऊपर जाने का रास्ता दिखाई देगा, जो काफ़ी हद तक रास्ता भी टूट चुका है और गेट भी टूट चुका है। नीचे की तरफ पूरी झाड़ फूस है ये, और हम इस कक्ष से जब बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें दूसरा एक हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसको देखते हैं, ये देखिए यहाँ का पूरा हिस्सा, ये सामने की दीवार, इधर के ये पिलर, सामने वो खिड़कियाँ, और ये एक कक्ष और बना हुआ है, इस पे चलते हैं। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा, पुराने समय की यादें ताज़ा हो रही हैं आज फिर से। ये टूटी हुई खिड़की, ये वो झरोखे यहाँ पर भी हैं, और सामने का नज़ारा, ये लकड़ी का सामान अब सब खाली है, ये देखिए। अभी हम लोग और ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद भी हमें इस स्थान की कुछ और चीज़ें दिखाई देने वाली हैं। देखते हैं यहाँ पर,
क्या जबरदस्त नजारा है। यहां से हमें इस पूरी की पूरी बहुत बड़ी हवेली का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है, प्रांगण का बहुत बड़ा पीपल का ये पेड़, और ऊपर की तरफ से मैं कुछ आपको नज़ारा दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। आप यहाँ से इस कमरे का हिस्सा दिखाई दे रहा है जो नीचे से नहीं जाने का रास्ता बन रहा था, और ये इसके नीचे जाने का एक रास्ता बनता है। यहाँ पर एक दूसरा रूम है ये भी नीचे जाने के लिए गेट है, बंद किया हुआ है। सामने का हिस्सा एक नई हवेली, इधर की हवेलियाँ, पूरा हिस्सा जो कि हवेलियों से भरा हुआ है। ये देखिए पूरा नज़ारा, ये इसकी बाहर बाहर की छत। पोदार परिवारों की ये वाली हवेली उस समय की उस सारी रौनक आज दिखा रही है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें फीकी पड़ गई हैं टूट फूट के साथ में, और काफ़ी सारे यहाँ पे ध्यान ना देने की वजह से। लेकिन फिर भी ये पूरी की पूरी हवेली बहुत ज़्यादा शानदार हवेली है। इसी तरह का नया नया कंटेंट आप हमारे पेज पर देखते रहिए। ज्ञानविक लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं आप लोग, विदांश रोय 3393 मेरी आईडी है, और उसको भी जाकर ज्वाइन कीजिए। नई वीडियो नया स्थान बहुत जल्द पेश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।